तू तो एकदम सही कह रहा था, महाराजा स्मिथ का टीवी सबसे बड़ा है। और पता है रूम नंबर 413 का बाथरूम सबसे बेस्ट है, कभी ट्राई कर रहा। Does play it well, getting into position very early. Yes! Oh no! अब मान सिंह जी क्या कहेंगे? पता नहीं, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। बिरी बिरी बिरी, ये तुम क्या कर रही हो? होमवर्क। आज स्कूल था? वीकेंड पे? आज वेडनेसडे है। ओह, मतलब वीकेंड पास में है, फिर जाकर क्या फायदा? रानी, तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। वो तुम्हारे स्कूल की अटेंडेंस को लेकर ना खुश हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो ओपन डे के लिए तुम्हारे स्कूल गए थे और तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कोई जानता तक नहीं। डैडी ने ओपन डे के लिए गए थे? अब उन्होंने तय किया है कि वो तुम्हें सेंट टेरेसा हाई स्कूल में भेजेंगे। एक मिनट, वो तो मेरी स्कूल का नाम है। कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों के स्कूल का नाम सेम है। ये! ओह नो! इसका मतलब हफ्ते में 3 दिन मुझे ये गंदा यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। रानी, स्कूल हफ्ते में 5 दिन होता है। नहीं। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकती हो और हाँ, एक साथ बैठकर होमवर्क कर सकती हो और सबसे अच्छी बात, एक दूसरे के कपड़े भी शेयर कर सकती हो। चलिए अच्छा है कि ये महाराजा स्वीट में ही हुआ, वैसे भी ये कमरा इतना महंगा है कभी बुक ही नहीं होता। नहीं नहीं, लेकिन बच्चों को उनकी बदमाशी की सजा जरूर मिलनी चाहिए, आप ना उनसे ये ठीक करवाइए। टूल किट ड्यूटी के लिए रेडी है सर। हेलो मैडम। हेलो टूल किट। बच्चे कहाँ हैं? आज पनिशमेंट के दिन भी लेट। सर, आप अपना होटल अपने तरीके से चलाइए और मुझे अपनी टीम को अपने तरीके से चलाने दीजिए। करण और करी ड्यूटी के लिए हाजिर है सर। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। थैंक यू। अब तुम दोनों कान खोल के सुन लो, जो टूल किट करेंगे तुम दोनों भी वही करोगे, समझे? यस सर। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने टेढ़ी से टेढ़ी कील को सीधा किया है, तो ये दोनों क्या चीज है? मेरे छोटे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, प्लीज केयरफुल रहना। हाँ प्लीज प्रीति, इन दोनों को अपनी पनिशमेंट शुरू करने दो। आई लव यू बेबी। आई लव यू मॉम। अटेंशन, अब ध्यान रखना, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही तुम दोनों को करना होगा, वरना चोट लग सकती है। यस सर। लेट्स गो। लेट्स गो। और ये है हमारा कैंटीन, तो तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगी रानी? रानी, मैं इस यूनिफॉर्म में बहुत गंदी लग रही हूँ। मैंने भी सेम यूनिफॉर्म पहना है। तुम भी बहुत गंदी लग रही हो। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ पर खाना खाती हो? टेबल क्लॉथ कहाँ है? वेटर, एसी, बुफे? हमारे स्कूल में बुफे हुआ करता था, सिर्फ ब्रेकफास्ट में, लंच में आला कार्टून। Excuse me, table for two. और हाँ, अच्छा व्यू देना, okay? जरूर। अब table number one पे क्यों नहीं बैठती है? यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको table number two का। समझ गई। Sorry sister, ये मेरी दोस्त है, ये यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं समझती। नहीं है? तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको समझाने की। समझी? समझी? जी, समझी। ये क्या समझी? नहीं नहीं, मुझे कॉमलेट चाहिए सिर्फ मशरूम और ऑलिव्स के साथ, और हाँ 2 पीस टोस्ट भी विद लो फैट बटर
याद रखना कि टोस्ट बहुत क्रिस्पी होने चाहिए, ठीक है? इस आंटी ने मेरी प्लेट में सीमेंट क्यों डाल दिया? इससे अच्छा खान तो जेल में होता है, और इससे अच्छी यूनिफॉर्म भी। हाय, ये है मेरी दोस्त। अरे उब्रॉय, मेरी स्कूल कैंटीन में, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। रानी उब्रॉय ने मुझसे बात की। रानी उब्रॉय ने मुझसे बात की। इसका मतलब तुम्हें लूची में आके के फैशन शो में नहीं जाना, राइट? रानी उब्रॉय ने मुझसे बात की। तुम लोगों को पता है, हम लूची में आके के फैशन शो जाने वाले हैं। है ना मेरी न्यू बेस्ट फ्रेंड? मैंने जेल में एक नई दोस्त बनाई। ये रानी। अब हमें इस छेद को भरने के लिए इसे थोड़ा बड़ा बनाना होगा। अच्छा, ठीक है। उतना बड़ा भी नहीं, थोड़ा बड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो टेंशन, हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा प्लास्टर लाना होगा। तुम दोनों 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आया। करण, तुझे और मना कर रहा है? कबीर, चीजें ठीक करना मेरा डिपार्टमेंट है, तू अपना किचन डिपार्टमेंट संभाल, ओके? नॉट ओके। मुझे मेरा गार्डनिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए। ओ बेटे, इस छेछे में बाजू वाली रूम दिख रही है। उस रूम में लड़कियों का एक डांस ट्रूप ठहरा हुआ है। चलो उन्हें हाई बोल के आते हैं। चलो उन्हें हाई बोल के आते हैं। करण, लड़कियों के रूम में जाना बुरी बात होती है। कबीर, मुझे एक बात बता, तूने कभी लड़कियों के बारे में जानना नहीं चाहे? वो क्या सोचती है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? हाँ, तो ये हमारा मौका है ये सब सवालों के जवाब ढूंढने का। तू इसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट समझ ले। साइंस? ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बॉयज, चलो कुछ काम करते हैं, इस छेद की छुट्टी करते हैं। नहीं। क्यों? अभी तो लंच ब्रेक है और रूल्स के मुताबिक हमें जो फॉलो करना है। लेकिन हमने तो अब तक इस छेद को सिर्फ बड़ा किया है। टूलकिट रूल्स रूल्स होते हैं और रूल्स तोड़ने पे हमें चोट लगती है, भूल रहे हैं? अच्छा, चलो तो लंच करते। टूलकिट वैसे भी तुम हमारे साथ फंस चुके हो, तो कम से कम लंच टाइम में तुम हमें अकेला, मेरा मतलब हम तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं, है ना? लेकिन मुझे तो अपनी टीम के साथ खाना खाना अच्छा लगता है। मुझे बेचारे मानसिंह जी पर तरस आ रही है, वो आज अपने घर से बिरयानी लाए हैं। बेचारे मानसिंह जी, कितना खा पाएंगे, सारा वेस्ट हो जाएगा। बॉयज, लंच के बाद मिलते। तुम आखिर में फुल स्टॉप लगाना भूल गई, मैंने तुम्हें फेल कर दिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, रानी उब्रॉय मेरे इंग्लिश क्लास में। है कौन? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, रानी उब्रॉय ने मुझे नोटिस किया। कल आप सबको एक ऐसे लिखना है शेक्सपियर के हैमलेट पर। हैमलेट? तुम्हारे टीचर को तो ठीक से हेलमेट भी बोलना नहीं आता। रानी, तुमने कुछ कहा? हाँ, वो जो आपने होमवर्क दिया है ना? हाँ। उसे करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो तुम्हारे पास कब टाइम होएगा? ये कितनी स्वीट है, तुम भी कह रही थी कि ये बदतमीज है। नहीं 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 सिस्टर, मैंने बदतमीज नहीं कहा, मैंने कहा कि आप बात कितनी तमीज से करती है। नहीं बिली, तुम शट अप। यहाँ कोई शट अप नहीं कहता। लेकिन किसी ने तो कहा है, किसी ने तो कहा है। सॉरी सिस्टर। अच्छा सर, अब मैं आपको होमवर्क किसी और दिन दे सकती हूँ? जरूर, तो तुम्हारा हिसाब से कौन सा दिन अच्छा रहेगा? फ्राइडे को योगा क्लास है, सैटरडे को फेशियल, संडे को लंच और मंडे को तो पार्टी है। एक काम कर सकती हूँ, मैं आपको डेट SMS कर दूँ, चलेगा? फाइनल। बिनी तो गई काम से। बिनी तो गई काम से। बिनी नहीं गई, तुम भी गई काम से, और तुम दोनों स्कूल के बाद
दो घंटा रुकना पड़ेगा डिटेंशन क्लास में। लेकिन मुझे मेरी लाइफ में कभी डिटेंशन नहीं मिला। मुझे भी, क्योंकि तुम कभी स्कूल गई नहीं। आपको पता चला क्यों नहीं गई? अब इस डिटेंशन की वजह से मेरा फैशन शो मिस हो जाएगा। वो जो लाल वाले ड्रेस में है ना, वो मेरी है, तू उससे दूर ही रहना, समझ गया? ओके डन। मुझे तो वो चश्मे वाली पसंद है जो कैलकुलस की किताब पढ़ रही है। अरे जल्दी चलो तुम दोनों, बाहर एक आइसक्रीम के ट्रक में छेद हो गया है और वो पलट गई है और जहां भी देखो आइसक्रीम ही आइसक्रीम है। अरे वो छोड़ो, इस दीवार में छेद हो गया है, जा देखो लड़के ही लड़कियां हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं कि लड़कियां चाहती क्या है। इसका मतलब तुम दोनों लड़कियों के कमरे में झांक रहे हो? लेकिन साइंस के लिए। साइंस वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सॉरी, लेकिन ये मेरे और मेरे भाई के लिए ही है। ये ले 50 रुपए। राजेश मेरे भाई, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये लोग तो बस बैठ के किताबें पढ़ रही है। एक मिनट, यहाँ पे दो लड़कियां लड़ाई कर रही है। मुझे भी देखना है। डोंट डिस्टर्ब, यहाँ पे साइंस प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ये छोटी सी लड़की टेंशन क्लास में क्या कर रही है? तुमने क्या किया छोटी? कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ रेखा का सर डस्टबिन के अंदर डाला। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया छोटी? क्योंकि उसने मुझे छोटे ही बुलाया। कोई मुझे बचा लो। हेलो, क्या? मैं अभी आती हूँ। हमने श्रीलंका से आई हुई सिस्टर्स के लिए भेलपुरियां बनवाई थी, किसी ने सारी पूरियां ही खा ली। अब भेलपुरी पूरियों के बगैर कैसे खिला सकते हैं? मैं जाके लेकर आती हूँ। कोई यहाँ से हिलेगा नहीं, समझे? सिस्टर रोजी, अगर किसी को बाथरूम जाना हो तो रोक के रखना और भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, उसकी नजर है तुम पे। ओके, मैं जा रही हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? फैशन शो के लिए, 2 घंटे में देखकर वापस आ जाऊंगी। बाय। रानी, रानी, तुम्हारा फैशन शो बैंगलोर में है, कि तुम प्राइवेट जेट से भी जाओगी तो भी टाइम पे वापस नहीं आ पाओगी। आहा, तुम भूल रही हो, बैंगलोर का टाइम मुंबई के टाइम से 2 घंटे आगे है। ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। मैं छोटी हूँ ना, हाथ नहीं पहुंचता। पागल हो क्या? छोटी हूँ ना, शायद पागल भी हूँ। Shut up! छोटी हूँ ना। तुम्हें पता है रानी, मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट था, बड़ी नौकरी, बड़ी कार, और अब तुम्हारे आते सी सब बेकार। वो सिस्टर कहाँ गई? यहीं कहीं होंगी। खतरनाक है मुझे भी नहीं मालूम। अरे आप दोनों यहाँ है, हमें तो डर लग रहा था कि कहीं आप खो तो नहीं गए। नहीं नहीं, हम खोए नहीं है। ओके बाय। नहीं नहीं, कैंटीन इस तरफ है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी श्रीलंका से यहाँ तक की यात्रा कैसी रही सिस्टर? जिसकी बोली हाँ? आप इन्हें हमारी बात समझाइए प्लीज। आप इनकी बहन और ट्रांसलेटर उसकी गोली है ना? ट्रांसिस्टर, आती आती चाती आती। नीली गीली पीली नीली सूजा बूझा पूजा। सिस्टर जिसकी बोली बोली हाय। अच्छा अच्छा, आइए आइए।
आप दोनों यहाँ इंतजार कीजिए प्लीज. आप भेल पूरी लेंगी? वैसे हमारे पास भेल है बट पूरी नहीं है. ये तो रानी ओबेरॉय है. हम यहाँ भेस बदल के आए हैं. रानी ओबेरॉय भेस बदल के? चुप रहो ना, तुम्हारी भेल पूरी बना दूंगी. रानी ओबेरॉय मेरी मेरी, इसे मैं संभाल लूंगी. तुम्हें तो डिटेंशन में होना चाहिए था ना. टेंशन छोड़ो, मुझे तो लग रहा है कि मैं कहीं और ही जाने वाली हूँ. मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी. सिस्टर्स और स्टूडेंट्स, श्रीलंका से आई हमारी सिस्टर जिसकी बोली का तालियों से स्वागत कीजिए. चलो चलो मेरी. आज की शाम तुम्हारे नाम. सिस्टर जिसकी बोली, मुंबई में आपकी फेवरेट चीज क्या है? सिस्टर जिसकी बोली, ऊपर नीचे आगे पीछे सच्ची मुच्ची मुंबई. आज नीचे लीनू तीनू पेलू पूरी आम आम. बॉलीवुड डांसिंग पर मारी सर की ऊपर चुप. सिस्टर जिसकी बोली, सुना है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हमें कुछ सुना दीजिए ना प्लीज. रोनू धोनू पाजा पाजी. ने पिकलू ने कबली ने. जस्ती बस्ती बग बोल सब का पोल बोल मत खोल. जस्ती बस्ती मन की शक्ति काजू कर ली यम यम. जस्ती बस्ती मग बोल सब का पोल बोल मत खोल. जाने का टाइम आ गया. कितना मजा आ रहा है अब. यो मुंबई. ये है सिस्टर जिसकी बोली जो श्रीलंका से आई हैं, और ये उनकी बहन और ट्रांसलेटर किसकी गोली? नहीं नहीं, उसकी गोली. ओह सॉरी, उसकी गोली. और तुम्हारी बोल खोली. ऐसी वैसी छूटी मूटी छी. ओके बाय. चल तुम दोनों चलो. मुझे ना कर्ली बालों वाले लड़के बहुत पसंद है. और मुझे पड़ाकू चश्मिश. वाओ यार, ये तो सॉलिड है. क्या कोई ये सब नोट कर रहा है? हाँ मैं कर रहा हूँ. वेरी गुड. लेकिन मुझे सबसे अच्छे एक आंख वाले लड़के लगते हैं. ये सब क्या हो रहा है इधर? ये दीवार में और छेद कहाँ से आ गया? लगता है दीवार में कीड़े आ गए होंगे. हटो. तुम्हारे कीड़े ने मुझे आंख में पंच मारा. अब मजा आया बदतमीज कहीं के. बॉयज मुझे एक बात सच सच बताओ, ये तुम्हारे कीड़े इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे बगल के कमरे से कंप्लेंट आ रही कि कोई उनके कमरे में झांक रहा था. मैं नहीं झांक रहा हूँ. मैं भी नहीं. तुम दोनों झूठ बोल रहे हो. तुम दोनों झांक रहे हो. मुझे तुम लोगों को अपना दोस्त कहने में शर्म आ रही है. मैं जा रहा हूँ. तुम्हारी करतूतों के बारे में मैं तुम्हारी मम्मी को बताने वाली हूँ. प्रीति जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. प्रीति जी मैं आपको सच कह रहा हूँ. प्रीति जी तो हम भी चलते हैं. हाँ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? तुम दोनों ने आज राजमहल की नाक कटवा दी. तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए. मेरे टूल्स को तुमने ऐसी नीच हरकत के लिए इस्तेमाल किया. वेरी बैड. थैंक यू प्रीति जी. तुम दोनों को इसके बारे में कुछ कहना है? मॉम हम तो बच्चे हैं, जो देखेंगे वही करेंगे. ये सारा दोष तो उन टीवी शोज और फिल्मों का है जो आजकल हमें बिगाड़ रहे हैं. अच्छा तो ठीक है, आज से 2 हफ्ते तक नो टीवी. 2 हफ्ते? 3 हफ्ते. 3 हफ्ते? 4 हफ्ते करूं? नहीं.
सॉरी सिस्टर। सिस्टर मैं केजी से स्कूल में हूँ और मैंने आज तक एक भी गलती नहीं की। हर रोज अपनी वाटर बॉटल लेकर आए, बाथरूम जाने के लिए टीचर से परमिशन ली, कैन आई की जगह मे आई कहा, और आज एक ही दिन में सब खराब हो गया। सिस्टर रोजी, इसमें बिनी की कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। डिटेंशन क्लास से भागने का आइडिया मेरा था और आपकी गंदी सी यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी मेरा ही था, बल्कि बिनी तो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। बिनी कुकरेजा, तुम्हें रानी से कुछ सीखना चाहिए। क्या? उसने अपनी गलती पर पश्चाताप करके ये साबित कर दिया है कि वो हमारे लॉर्ड की बातों को अच्छी तरह से समझ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानी माय चाइल्ड, तुम्हारा पनिशमेंट कैंसिल। ये रानी, ये कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो रानी की है। ओ बिनी, 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 अपने में एक गलती ढूंढना दूसरों में 100 गलती ढूंढने से बेहतर है। थैंक यू सिस्टर रोजी। पता है बिनी, ये स्कूल काफी अच्छा है, हम तो यहाँ पे बहुत मजे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारी डिटेंशन क्लास खत्म होने के बाद। Oh!